माशाल्लाह ये थे आबाए दानिया हैदरी साहब की ज़बान में उनकी तासीर फरमाए। अदर मोहतरम अगर इजाजत हो तो चार किस्से सुना दूं। माशाल्लाह बहुत मेहरबानी। जब मौला अली की माँ खाना काबा से बाहर आई, जब मौला की विलादत हुई, बीबी खाना काबा से बाहर आई, लोगों ने तहज्जुब किया। अब बीबी ने एक खुतबा फरमाया, उस खुतबे को शायर ने कुछ यूँ बयान किया है। कहता बीबी ने फरमाया, अपने बेअब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। मुझे चाहिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप मुझको, बहुत मेहरबानी। बीबी फरमाती है, अपने बेअब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देके बुलाया गया। अपने बेअब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देके बुलाया गया। अपने बेअब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देके बुलाया गया। विलादत का दिन है, शब विलादत है, तो आपके सामने मैं चंद मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वसीम भाई आपकी तवज्जो की। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला बैतिहि तय्यिबीन तहरीनन मासूमीनन मुंतखबीनन मुंतजबीनन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आलिहि अजमईन। बाबाज बुलंद सलवात। अम्मा बाद फ़कत फ़ी किताब मजीद वल फुरक़ान अल-अमीन وقال الحق بالحق ابي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوا دعا ہے پروردگار بانیوں نے جشن کیا عزت میں اضافہ فرمائے اور جتنے آپ آداب تشریف فرما چکے ہیں مالک اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ملک خدا جتنے بھی بیمار ہیں بیماریوں کا ملا کا واسطہ ہوں تو صحت و کامل واجل عطا فرما۔ اور جن ترجمہ کا انہوں نے میرے لیے حکم کیا ہے تو آپ کے لیے مالک اللہ جو بھی دلی حاجت ہے مالک اللہ 14 کی بارگاہ میں اپنی بات کو قبول فرما اور خصوصاً بالخصوص جتنے بھی اولاد ہیں مالک اللہ جو ہی جناب ربا کی ہری چھونی کا واسطہ مالک اللہ وہ حیات جی والے بیٹے نصیب فرمائے اور اس پاک جشن کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی بلندی چاہتے ہیں بابا سے بلند صلوات توجہ ہے چلو آپ نے پڑھا ہے میں ان فقیروں کو اپنی کیسے کہوں میں ان فقیروں کو اپنی کیسے کہوں جو کھا کے تیرے باغات فاطمہ وسیم آباد چلو آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے اس تیسرے پسرے پہ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ سے دعا دیں گے ارو بھائی میں ان فقیروں کو غنی کیسے کہوں جو کھا گے تیرے باغات فاطمہ اور ممکن نہیں کہ عسکری ان کو رضی اللہ کہے جن پہ کرتی رہی تبرہ فاطمہ۔ مالک خدا فرما رہے ہیں کہ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم
आप हुए गुलदार बन गई। आप आपसे कुरान माशाल्लाह आप इस आयत की तशरीह पे तब जानते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद की गवाही के लिए अल्लाह ने दो गवाही रखी है, एक वो जिसके पास इल्मुल किताब, एक वो जिसके पास इल्मुल किताब और एक वो जो मैरूफत अल्लाह होगा। अब जो कहना मोहम्मद नबी नौज़बिल्लाह लोग तो मोहम्मद को अपना जैसा भाई समझते हैं, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ अल्लाह इस आयत में क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि कुल कफा बिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इत्तबअ अल किताब। अगर किसी तर्जुमे के साथ आपको पढ़ना है ना, जिसका भी तर्जुमा ठहर यही है कि मोहम्मद के नबूवत की गवाही के लिए अल्लाह की दो गवाही है, वो कौन सी है? एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, इल्मुल किताब, इल्मुल किताब एक वो यानी जो मैं खुद खुदा हूँ। अब जो करे दावा कि मैं मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, अब अल्लाह की आयत को ठुकरा रहा है वो बंदा, अब अल्लाह की आयत को वो ठुकरा रहा है बंदा। मौला मिंबर पर खुदा तशरीफ फरमाते, मौला से बंदे ने सवाल किया कि या मौला आपको 360 याद में से कौन सी पसंद है? यानी कि अहले सुन्नत के मौके की मुफस्सरीन जलालुद्दीन सूती ने कहा है कि मौला मुत्तकियान की शान में 360 याद नाजिल हुई। तो मौला मिंबर पर तो मिंबर पर खुदा तशरीफ फरमाते, बंदे ने सवाल किया या मौला आप 360 याद नाजिल हुई तो आपके फजाइल पढ़ती है, यानी कुरान को आपको फजाइल पढ़ता। मैं कहता हूं अल्लाह का खुद कसीदा पढ़ता है, इन 360 याद में से आपको कौन सी याद पसंद है? तवज्जो चाहता हूं इस बंदे की तवज्जो उस पर दुआ दूंगा। माशाल्लाह आप तशरीफ फरमा है, आपकी तवज्जो से मैं जुमला कहना चाहता हूं कि अल्लाह तो आ रहा है, मुझे तो लुत्फ आ रहा है। अल्लाह जाने आप कैसे बोल रहे हैं या कैसे बैठे हैं, आपकी तवज्जो तो मतलब कहता हूं। बंदे ने सवाल किया या मौला 360 याद में से आपको कौन सी याद पसंद है? इमाम ने फरमाया सम कुल कफा बिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इत्तबअ अल किताब। तो माशाल्लाह सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की ज़ात। बस इतना ही टाइम मिले था कि मेहरबानी और मिलकर बुलाता है सुनवा।